हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल। तो इसमें जो है मेन टू प्रॉपर्टीज़ आती हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों के चारों वर्टिसेस किसको टच करती हैं? सर्कल को। तो व्हाट दे आर सेइंग, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। प्रॉपर्टीज जो है वो ये ही कह रही है कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है होगा आपका 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा? 180। दैट मीन्स अपोजिट एंगल बी प्लस एंगल डी एंड एंगल सी प्लस एंगल ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 180। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब क्वाड्रिलेटरल से बाहर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से बाहर का एंगल, ये वाला एंगल अगर मैं कंसिडर करूँ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर में जो अपोजिट एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। अगर सपोज मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इंटीरियर के अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमें दीज आर द सिंपल वंस बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट। तो हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। तो इधर है, फाइंड करना है हमें एक्स इन तीनों डायग्राम्स में। तो पहला डायग्राम है ये, तो ये एंगल दे रखा है आपको 150। दिस वन इज योर एक्स, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स। तो सी हेयर, ये अगर 150 है तो व्हाट वुड बी द दिस एंगल, इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 75, हाफ ऑफ 150। व्हाई? क्योंकि एंगल प्रॉपर्टी हमें पता है, सेंट्रल एंगल जो होता है वो ट्वाइस होता है उसी आर्क से अगर सर्कमफ्रेंस पे हम एक एंगल बनाते हैं। तो अगर ये 150 है तो दिस इज हाफ ऑफ 150, दैट इज 75। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जो एक्सटीरियर एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, दिस इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो एंगल है एक्स, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल के। सो दिस एक्स विल बी योर 75। तो आंसर है दिस। नाउ सेकेंड डायग्राम में गिवन है 25, दिस इज 25, दिस इज डायमीटर एंड दिस इज द सेंटर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये सेमी सर्कल में है, ये सेमी सर्कल में ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, तो दिस वुड बी 90, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। तो दिस इज 90, दिस इज 25, यू कैन कैलकुलेट बाय एंगल ट्रायंगल एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो दिस वुड बी 65, कि 25 प्लस 90 प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180। तो बाय देयर वी कैन फाइंड दिस एंगल, दिस इज 65 डिग्री। नाउ दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बिकॉज ऑल द वर्टिसेस टचेस द सर्कल्स सर्कमफ्रेंस। तो दिस इज 60 एंड दिस इज एक्स। तो अगर हम फाइंड आउट करें एक्स प्लस 65 इक्वल्स टू 180, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम कितना होता है उनका? 180। तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड एक्स, तो एक्स कितना आ गया? 115। यू कैन कैलकुलेट एक्स की वैल्यू क्या है? 115। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, फाइंड दिस इज गिवन 75, यू हैव टू फाइंड एंगल ए बी सी एंड ई ए एफ। ए बी सी मतलब ये वाला एंगल एंड ई ए एफ दिस वन।
यू हैव टू फाइंड. सी हेयर ए बी सी इज़ वेरी सिंपल. क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है, दिस सेंटर इज गिवन ओ, तो ए बी सी, तो दिस वुड बी 90. एंगल ए बी सी कितना हो गया? 90. क्यों? क्योंकि एंगल बाय डायमीटर एंड एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये हो गया 90 डिग्री. और ई ए एफ, ई ए एफ, तो दिस इज 75 गिवन. और इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180. तो अगर सपोज ये एक्स है तो एक्स प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180. तो इधर से हम एक्स निकाल सकते हैं. एक्स कितना आ गया आपका इफ़ यू कैलकुलेट? 105. तो एक्स 105 आ गया, तो ये भी 105 होगा. ये क्यों 105 होगा? क्योंकि वर्टिकल एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो एंगल ई ए एफ भी कितना हो गया आपका? 105. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे साइक्लिक प्रॉपर्टीज के बेस पे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.